दोस्तों तब क्या हुआ जब ग्वालियर में ट्रक ने नाग को कुचल दिया और फिर जो नागिन ने किया उसे देखकर सब हैरान हो गए। जो मैं घटना दोस्तों इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनने से पहले महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं दोस्तों आपको शायद पता होगा कि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए कितना अटूट होता है। नाग नागिन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसी दौरान अगर कोई व्यक्ति नाग नागिन में से किसी एक को मार दे तो वे अपना बदला उस व्यक्ति को मार कर ही लेते हैं। दोस्तों आपने ऐसी किस्से कहानियाँ खूब सुनी होंगी लेकिन जो कहानी आने वाली है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि सच में घटित एक घटना है। दोस्तों तो भारत में नाग नागिन को बहुत ही पवित्र व देवतुल्य माना जाता है। इसी वजह से यहाँ इनके कई मंदिर स्थापित किए गए हैं। भारत में बहुत सी धार्मिक फिल्में नाग नागिन पर बनाई गई हैं। लेकिन नाग नागिन का एक मंदिर ऐसा भी है जो फिल्मों की कहानियों को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की मिसाल है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर इन नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि वर्ष 2015 में एक दिन ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 1 के पास नाग नागिन का जोड़ा रोड पार कर रहा था तभी एक ट्रक की चपेट में आकर नाग की मौत हो गई। नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी के पास ही अपना डेरा जमा लिया जिससे उस रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया जिसने नागिन को वहां से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां उसके नाग की मृत्यु हुई थी आकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूर्ण विधि विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके शरीर को ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इन दोनों के प्रेम को देखकर वे इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस स्थान पर हर वर्ष नाग नागिन के भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी कहीं पर भी नाग नागिन मिल जाए तो उसे मारना तो दूर उसे देखना भी नहीं चाहिए और वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। या फिर अगर आपको ज्यादा डर लग रहा हो तो आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाएं ताकि वो सांप को ले जा सके और कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ सके। खुद मारने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप किसी नाग नागिन को या किसी भी तरह के सांप को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका अंजाम आपके लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। इसीलिए आपको बाद में पछताना न पड़े तो कभी भी किसी भी बेजुबान जानवर को परेशान न करें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।